गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिनॉल बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखते हैं। यदि आपको अपने प्रयोगशाला में फिनॉल बनाना है तो आप डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना सकते हैं। डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे। आपको पता है एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2, यह है एनिलीन। इस एनिलीन की अभिक्रिया हम करवाएंगे HNO2 से और साथ ही HCl बेस मिलेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसे आप गर्म करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पानी के दो अणु बाहर निकलेंगे। ये 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये पानी के दो अणु बाहर निकले और ये नाइट्रोजन यहाँ जुड़ के N2 हो जाएगा और ये Cl। ये जो संरचना है डाइएजोनियम क्लोराइड की है। अब इस डाई एजोनियम क्लोराइड का डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, सॉरी डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में आप जल अपघटन कराएंगे। ये हमने जल अपघटन कराया डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो हम ये देखते हैं कि ये जो OH है यहाँ जुड़ जाता है हमें। अब फिनॉल प्राप्त हो गए, OH यहाँ चला जाएगा N2 और ये जो HCl क्रिया करके उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से हम प्रयोगशाला में डाई एजोनियम क्लोराइड की सहायता से फिनॉल बना सकते हैं। फिर से देखिए, यह एनिलीन, एनिलीन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल और HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराया। पानी के दो अणु इसमें बाहर निकले। इसके पश्चात ये जो डाई एजोनियम क्लोराइड बना डाइल्यूट H2SO4 की अभिक्रिया में जल अपघटन कराया हमने। तो जो जल अपघटन कराए तो हमने देखा कि ये जो OH है इस पहले पोजीशन पे जुड़ जाता है, फिनॉल बनता है, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, साथ ही HCl गैस भी इसमें बन जाता है। तो ये था प्रयोगशाला विधि। किंतु इस विधि में हम ये देखते हैं कि कभी कभी क्लोरोबेंजीन बनने की भी संभावना रहती है, क्लोरोबेंजीन भी बन जाता है कभी कभी। इसलिए हम यहाँ क्लोराइड के स्थान पर हम बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं। देखिएगा, डाई एजोनियम सल्फेट, हाइड्रोजन डाई एजोनियम सल्फेट, यह है इसकी संरचना, इस तरह से रहेगी। यह है बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां हम इस हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन करवाएंगे।
डाइल्यूट H2SO4 इसमें भी लेंगे और जल अपघटन कराने पर हम देखते हैं कि हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ ये H2SO4 बन जाएगा और वो यहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा। ये बना फिनॉल, नाइट्रोजन गैस निकली और H2SO4 बाहर निकला। तो हम देखते हैं जब बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में जब जल अपघटन की क्रिया होती है तो फिनॉल बनता है और हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, साथ ही H2SO4 प्राप्त होता है। अब हमको मार्केटिंग करनी है या हमें अधिक मात्रा में फिनॉल बनाना है तो डाउ विधि का प्रयोग करेंगे। डाउ विधि से हम फिनॉल बनाएंगे। देखते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम डाउ विधि देखते हैं और डाउ विधि में जो क्लोरोबेंजीन होता है उसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर और इसमें एटमॉस्फियर 200 एटमॉस्फियर दाब पर। देखते हैं डाउ विधि, क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं और साथ ही हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हमने 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और इसमें दाब रखा 200 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ देखिए ये सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और हमें फिनॉल प्राप्त हो रहा है। ये था डाउ मेथड, जिसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसमें इस अभिक्रिया को हम इस तरह से बना सकते हैं तीन स्टेप में। सबसे पहले ये फिनॉक्साइड बनेगा, इसमें देखिएगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा सबसे पहले, सीधे नहीं बनेगा ये, और उसके पश्चात इसमें HCl बाहर निकलेगा। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसकी अभिक्रिया हम HCl से करवाएंगे। अब देखिए HCl से अभिक्रिया करवा रहे हैं, और ये NaCl इसमें बाहर निकलेगा। ये था डाउ मेथड, जिसमें हम औद्योगिक उत्पादन करेंगे फिनॉल का। हमने इसमें क्लोरोबेंजीन लिया और ये इस क्लोरोबेंजीन में इस तरह से अपने आयनों में टूटते हैं, ये प्लस आयन ये माइनस आयन, और ये यहाँ जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये हमको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड हमको मिला, इस सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से हम HCl से अभिक्रिया करवाएंगे और HCl से अभिक्रिया करवाने पर हमको फिनॉल प्राप्त हुआ। ये हमें फिनॉल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम अगली अभिक्रिया देखेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से।
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमने दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसे हम फिर से देखते हैं। इसमें और इस विधि में सबसे पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट यहां दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा और यहां सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है, साथ ही यहाँ पर भी हम देखते हैं टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं और गर्म करने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और इसके पश्चात इसमें कुछ और प्रोडक्ट मिलते हैं, सोडियम सल्फेट और पानी। देखिएगा यहाँ दो अणु हमने यहाँ लिया है, इसे हम अपनी सुविधा के लिए दो बार लिखें। तो पानी के हमको दो अणु यहाँ प्राप्त होंगे, एक अणु पानी का मिलेगा, सॉरी ये पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा और ये जो NaO है यहाँ जुड़ जाएगा और Na2SO4 हमको यहाँ प्राप्त होगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम HCl से करवाते हैं, तो HCl से करवाने पर हम ये देखते हैं कि यहाँ हमें फिनॉल प्राप्त हुआ है, साथ ही NaCl हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये है फिनॉल और ये सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड इसमें प्रोडक्ट के रूप में मिला। तो फिर से देखिएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं के साथ, तो हमें 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और साथ ही सोडियम सल्फेट और पानी के अणु हमें प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी अभिक्रिया हमने HCl से करवाई तो हमने देखा ये फिनॉल बना और सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं फिनॉलिक अम्ल से अभिक्रिया। फिनॉलिक अम्ल लेते हैं, ये जो फिनॉलिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। ये देखिए बच्चों एक फिनॉलिक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो
तो सबसे पहले तो इसका नाम देखते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बोक्जिलिक समूह है इसलिए यहाँ से हम गिनती करेंगे। यह है हाइड्रोक्सी, इसको वन मानेंगे। यह है बेंजोइक अम्ल, और छठवें पोजीशन पे हाइड्रोक्सी समूह है, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है। ये देखिए, यहाँ हम फिनॉलिक अम्ल से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उदाहरण लिया है हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। और जब कभी भी मैंने नामकरण में बताया था कि ये जो कार्बोक्जिलिक समूह यदि उपस्थित होता है तो ये जो OH है प्रतिस्थापी समूह हो जाता है, और इसे मुख्य क्रियात्मक समूह मानकर नंबरिंग की जाती है। और यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करेंगे। तो ये बेंजोइक अम्ल है, ओइक लगा देते हैं बेंजीन में, तो बेंजोइक अम्ल बना। और ये छठवें पोजीशन पे OH समूह है, इसलिए 6-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये जब अभिक्रिया करेगा तो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ क्रिया करके सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। तो देखिएगा, ये बेंजीन रिंग, अब इसमें पानी के अणु बाहर निकलेंगे। इसमें ये जो सोडियम है यहां जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये OH यहाँ क्रिया करेंगे, और इसी पोजीशन पे ONa बन जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भी बाहर निकलेगा, और ये पानी। इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और पानी का अणु इसमें बाहर निकल गया। इसके पश्चात हमें ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम HCl से करवाएंगे, और हमें OH प्राप्त होगा, साथ ही NaCl प्राप्त होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्थो पोजीशन पे ये OH समूह जुड़ा हुआ है, और रीअरेंजमेंट के तहत ये जो पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी और हमें फिनॉल प्राप्त होगा। इसको फिर से देखिएगा, ये है हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है आर्थो पोजीशन पे फिनॉक्साइड, जो साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बन रहा है, HCl से क्रिया करेगा, और सोडियम क्लोराइड इसमें बाहर निकलेंगे, ये आर्थो पोजीशन पे ही रहेगा, और इसमें रीअरेंजमेंट की क्रिया होती है, उसके पश्चात हमको फिनॉल प्राप्त होगा। अब अगली विधि हम देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या है? RMgX ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र है। अब हम इसमें लेते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
हमने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई और यहाँ पे देखिए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MGBR इसकी अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन से करवाई, हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो MGBR प्राप्त होगा और इसका हम जल अपघटन करवाएंगे। हम जल अपघटन करवा रहे हैं तो ये जो ओ है यहाँ चला जाएगा, और साथ ही हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा। तो देखिएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नवजात ऑक्सीजन से क्रिया किया जिससे हमें ये माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ, इसका हमने जल अपघटन किया अपघटन करने पर यहाँ देखिए ये टूटता है इस तरह से अपने आयनों में, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा और Mg यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन और ब्रोमाइड नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फिर से देखिए से ये क्या है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, और नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुआ, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही इसमें, तो ये जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा OMGBR हो जाएगा। अब पानी से अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, इसे पानी से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये है H प्लस आयन है OH माइनस आयन, और हम ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा और ये जो मैग्नीशियम है इस तरह से एक कंपाउंड बना लेगा। तो बनाने की और भी विधियाँ हैं इसमें जिसे हम और देखेंगे, तो हमने जो बहुत सारी विधियाँ देखी उसमें से ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी था जिसके माध्यम से हमने फिनॉल बनाया। हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनॉल बना रहे थे, अब हम अगली विधि देखेंगे, रेसिंग विधि। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले जापान में किया गया था 1940 में, और इस विधि में हम क्लोरोबेंजीन देते हैं। क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की का जल अपघटन करवाते हैं। चार सौ पच्चीस डिग्री सेल्सियस HCl इसमें बाहर निकल जाएगा और ये जो OH है यहां जुड़ जाएगा। ये देखिए रेसिंग विधि जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन लिया और पानी से अभिक्रिया करवाई, जल अपघटन करवाया, पानी जिसे हम आयनों में तोड़ेंगे तो HOH लिख सकते हैं, इसमें प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो ये जो HCl है ये बाहर निकल जाएगा और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, इस तरह से हमें फिनॉल प्राप्त होगा। ये समझ आया, देखिए इसमें शर्त यह है रेसिंग विधि में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 425 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तभी ये क्रिया होगी और फिनॉल बनेगा, यदि इसमें ताप कम हो तो रेसिंग विधि से आप फिनॉल नहीं बना सकते। अब अगली विधि
अगली विधि में हमें देखते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपेलीन से करवाते हैं। ये बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई प्रोपिलीन से। प्रोपिलीन का सूत्र है ये जानते ना प्रोपिलीन कैसे हुआ? नहीं जानते? ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, ये प्रोपेन तीन कार्बन है तो मेथेन एथेन प्रोपेन आपने पढ़ा, और बॉन्ड यदि डबल हो गया तो ई यानी लग जाता है। तो देखिए ये आपने प्रोपेन लिखा और बॉन्ड डबल हो जाएगा तो ए का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ये है प्रोपेलीन है इसका नाम, और प्रोपिलीन से अभिक्रिया करके एक माध्यमिक विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? माध्यमिक विलयन बनाएगा और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? ऐसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसको आप क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और इसमें ये क्या बनाएगा? एक इंटरमीडिएट बनाएगा, है ना, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये जो प्रोपेलीन है ना ऊपर जुड़ जाएगा, ये सी यहाँ रहेगा, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक माध्यमिक विलयन बना। अब ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के दो अणु से ये अभिक्रिया कर रहा है, और जो संरचना हमें प्राप्त होगी इस तरह से संरचना प्राप्त होगी हमें। अब देखिए ये इसका जल अपघटन करवाएंगे। ये जो माध्यमिक विलयन हमें मिला है इसका हम जब जल अपघटन करवाते हैं अर्थात पानी से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो देखिए सबसे पहले तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा, ये OH हो गया, है ना, ये फिनॉल हमको प्राप्त हुआ। इसके पश्चात एसीटोन हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? एसीटोन हमें प्राप्त होगा। तो ये एसीटोन बना और ये क्या बना? फिनाल बना। तो हमने प्रोपिलीन से क्या बनाया? फिनाल बनाया। इसको फिर से देखिएगा, सबसे पहले हमने बेंजीन लिया और बेंजीन प्रोपिलीन से क्रिया करके निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एक माध्यमिक विलयन बनता है यहाँ पर। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है और उसके पश्चात इसका जल अपघटन हमने करवाया तो जल अपघटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल प्राप्त हुआ, साथ ही एसीटोन प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात हम तीसरी विधि देखेंगे और तीसरी विधि में हम ये देखते हैं कि जो अभिक्रिया होगी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जो सामान्य विधियां हम पढ़ रहे हैं इसमें तीसरी विधि है कोल तार से। आप लोग कोल तार देखे हो? कोल तार नहीं देखे हैं? डामर जानते हैं आप सब लोग?
हाँ उसी को कोलतार कहा जाता है। तो कोलतार में फिनॉल पाया जाता है और कोलतार से हम फिनॉल को कैसे अलग करेंगे वो देखते हैं। तो कोलतार में क्या पाया जाता है, फिनॉल पाया जाता है, उसको हमें अलग करना है ना। तो अलग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर हम ये देखते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये जो हाइड्रोजन है इस OH से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, पानी बना के अलग हो गया, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, C6H5O Na बनाएगा। समझ में नहीं आया ना, असल में हम बेंजीन रिंग के रूप में रिंग संरचना इसी का देखते हैं इस तरह से। ये देखिए ये फिनाल है, कहां पाया जा रहा है, कोलतार में, है ना। तो ये अभी क्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसमें देखते हैं ये पानी बाहर निकल गया, यही निकाल देते हैं, पानी इसमें बाहर निकल गया गर्म करने पर। तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है ना, क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। अब इसका जल अपघटन कराएंगे हम, क्या करवाएंगे, या तो जल अपघटन करवाएंगे या फिर HCl से अभिक्रिया करवाएंगे। तो चलिए जल अपघटन करवाते हैं। अब इसमें क्या बनेगा, जल अपघटन करवाने पर ये जो H है यहां जुड़ जाएगा और देखिए ये जल अपघटन होगा और ये बन गया फिनॉल और हमें प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हम कोलतार से भी क्या बना सकते हैं, कोलतार से फिनॉल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने विभिन्न विधियां देखी जिसमें हमने क्या बनाया, फिनॉल बनाया। अब देखते हैं फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल के भौतिक गुण सबसे पहले देखेंगे क्वथनांक, उच्च क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है और ये पानी में अल्पविलेय होता है। तो ये पानी में घुलता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण। तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हम देखेंगे। और ये इसका क्वथनांक था उच्च क्वथनांक। अब देखते हैं दूसरा, पानी में ये अल्पविलेय होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं उसे देखिएगा। इसे मिटाना पड़ेगा संरचना, देखिए इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई भी अणु यदि जल में घुलनशील होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही घुलते हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फिनॉल है
दो फिनॉल आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए पानी में घुलता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता, पानी में अल्प विलय होता है। और फिनॉल यदि हमारे त्वचा में गिर जाए तो जलन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? जलन पैदा करता है। इस तरह से यहाँ मैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये भी दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तो अंतरणुक और दूसरा है अंतराणुक। तो इसमें हम देख रहे हैं दो फिनॉल के बीच में अभिक्रिया हो रही है, इसलिए है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिकुलर, और जब सेम रहे तो इंट्रामॉलिकुलर होता है। इस तरह से हम देखते हैं, देखे हमने हमने देखी फिनॉल के भौतिक गुण, जिसमें हमने ये पाया कि इसका गलनांक उच्च होता है और ये पानी में अल्प विलय होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं दोनों तरह के, इंट्रा और इंटर दोनों, नाइट्रोबेंजीन के साथ ये नाइट्रोबेंजीन में ही वहीं का हाइड्रोजन वहीं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर हमने देखा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो फिनॉल के बीच में बना और ये बहुत तीखा होता है, यदि त्वचा में गिर जाए तो जलन पैदा करता है। इसके रासायनिक गुणों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।